नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन की बात की थी लास्ट की क्लास के बाद, देखना सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लासेस के अंदर पहला क्वेश्चन है आज का। देखना 20 पदों तक जो पहले क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर सीधा दे रखा था कि इसका लास्टवा पद ये है, यानी जो लास्ट पद था उसकी संख्या दे रखी थी। इस बार 20 पदों तक, इसका अर्थ है कि 20वां पद पता नहीं कि कौन सा होगा। जिस प्रकार ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके अंदर पूछा गया है 20 पदों तक, यानी इसके अंदर 20वां पद कौन सा होगा। तो यदि 20वें पद की बात करें तो इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है। जब भी इस प्रकार यानी इस सीरीज के रूप में चले तो मैंने कहा था कि इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करके लिख दें, आपका कैंसिल या जो माइनस होकर वापस आंसर यही आना है, यानी 1/2, इसका मान 1/6 ही आएगा। और एक बात बताई थी, जिनका जितना डिफरेंस होता है ऊपर उतना ही होना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का, एक का, ऊपर कितना है एक, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लिख सकते हैं। यदि यहाँ जितना डिफरेंस है ऊपर उतना नहीं है तो ऊपर नीचे उस संख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखना यहीं भी वही करना है, लेकिन 20वां पद निकालने में दिक्कत हो रही है। तो लेकिन 20वां पद निकालने के लिए एक टॉपिक आता है सीरीज, यानी समांतर श्रेणी, वो आगे बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, बता देता हूँ थोड़ा। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कोई सीरीज होगी, कोई श्रेणी होगी जिसका अंतर क्या चलेगा, समान चलेगा। जिस प्रकार इसी की बात कर लेते हैं, श्रेणी चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक। लेकिन जब इस प्रकार ये तो दे रखा है एक के गैप का, और यहाँ से एक चल रहा है, यहाँ दो हो रहा है, इसका अर्थ है कि 20 पदों तक कोई दिक्कत नहीं है। 20वां पद 20 × 21 हो जाएगा। लेकिन मैं निकालना बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको दिक्कत होगी 20वें पद के अंदर। तो इसका 20वां पद निकालेंगे तो देखना गैप आ रखा है यहाँ, और यहाँ गैप सिर्फ एक का है, यहाँ गैप तीन का है, तो निकालने में दिक्कत न हो इसलिए सूत्र लगा देना एनवा पद के लिए an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिस प्रकार ये कोई सीरीज चल रही है, यानी ये सीरीज का अंतर हमेशा डिफरेंस समान होता है, इसका डिफरेंस भी एक, इसका एक, एक और एक, यानी समांतर श्रेणी के अंदर डिफरेंस समान चलेगा। और जब डिफरेंस समान चले तो करना क्या है, an एनवा पद ज्ञात करना है। तो आपने n का मान कितना है 20, तो 20वां पद। ए का मान क्या होता है, ये रही सीरीज देखना, ये होता है जो फर्स्ट संख्या होती है वो ए होता है, यानी ए का मान कितना हो गया एक, तो एक की जगह क्या लिख देंगे 1, प्लस एन का मान कितने पद 20वां पद माइनस एक। डी क्या होता है, डिफरेंस, देखना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है एक का। डी क्या होता है, सार्व अंतर, उसके अंदर कहा जाता है सार्व अंतर। तो इसके अंदर सार्व अंतर यानी दूसरी में से पहले को माइनस किया कितना आ गया एक, तो डी का मान कितना आ गया एक। अब आप आ गया 20वां पद, देखना ये रहा 20वां पद, एक प्लस 20 माइनस एक 19 इंटू एक 19, तो 20वां पद कितना हो गया 20। और आपको पता है कि एक आगे, तो 20वां पद हो गया 20 × 21, यानी यहाँ 20वां पद क्या लिखेंगे 20 × 21। इस सूत्र को देख लेना एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो अब अपन 20वां पद बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब 20वां पद बता सकते हैं तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, अब 20वां पद लिख सकते हैं। 20वां पद क्या होगा, 20 × 21। अब आपको बताइए कि इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। आपको याद होगा पीछे की क्लास देख लेना सिंप्लीफिकेशन की, सीधा मैंने बताया था कि जितना डिफरेंस होता है सबसे पहले वो लिख लें। यदि आप सीधा ट्रिक के द्वारा करना चाहें तो सबसे पहले डिफरेंस कितने का, एक का, कोई लिखने की जरूरी नहीं है यदि डिफरेंस एक है। फिर क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट कितना 1/1, माइनस लास्ट कितना 1/21, वही एलसीएम कितना आ गया 21, एलसीएम 21, ऊपर कितना आएगा 21 माइनस 1, आंसर आ गया 20/21।
तो आ गया इसका आंसर। इसको किस प्रकार किया जाता है मैंने बताया, पहले क्लास देख लेना आप, और जब भी इस प्रकार की सीरीज चल रही है तो सीधा आंसर निकालते हैं, फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, ये रहा फर्स्ट और ये लास्ट, दोनों का डिफरेंस कर दिया और आंसर आ चुका है। अब देखना इसकी बात करते हैं, अब इसका 20वां पद बताना चाहे तो सीधा बताने में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगी, लेकिन कुछ सीधा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीन तीन के डिफरेंस पे चल रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ कौन सा पद निकालना है, 20वां पद, और जब 20वां पद निकालना है तो क्या निकालना होगा, 820, और सूत्र क्या था वापिस लिख देता हूँ यहाँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखना पहला पद ए का मान कितना, एक, प्लस एन का मान 20वां पद, डिफरेंस कितने का, चार माइनस एक तीन का, डिफरेंस कितने का है तीन का। अब निकालते हैं अपन पद, वन प्लस ये कितना हो गया 19 to 3 57, टोटल कितना हो गया 58, कितने का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस है। कौन सा पद पूछा गया है, 20वां, तो 20वें का मान कितना हो गया 58। अपने को गैप रखना है, यानी इससे ज्ञात किया है तो इससे ज्ञात किया है, तो 20वां पद 58, गैप कितने का तीन का, 58 + 3 61, यानी लास्ट का पद 20वां पद हो गया 1/4। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हो, देखना किस प्रकार, वही अपना इसको लिख लेते हैं। 20वां स्टेप क्या होगा, कितना आएगा 62 आएगा, गैप कितने का है तीन का है, देखना लास्ट पद क्या हो जाएगा 58 × 61। अब देखना वही अपनी सीरीज बन चुकी है, डिफरेंस कितने का तीन का, डिफरेंस कितने का तीन का, ऊपर क्या बन रहा है सिर्फ एक, तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊपर नीचे तीन का मल्टीप्लाई, और तीन का मल्टीप्लाई करते ही अपनी सीरीज बन जाएगी। तो अपन सीधा ट्रिक के द्वारा करें तो 1/4 डिफरेंस, 1/2 अंतर, फर्स्ट 1/1 माइनस लास्ट 1/60। अब देखना 1/3 बार है, इसका एलसीएम कितना 61, 61 माइनस 1 60/61, लेकिन बार कितना चल रहा था 1/3, इससे ये कैंसिल कितनी बार 20 बार, तो आंसर क्या आ गया 20/61, आंसर आ गया 20/61।